हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे मछली के अंडे की भुर्जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, और ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होती है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया मछली का अंडा, और इस पर हम ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे नमक अभी ऐड नहीं किया है, तो इसे मसलते हुए ना क्या करेंगे हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दिया करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर तेल भी अच्छे से गर्म हो गया। मैंने यहाँ पर तीखे वाली हरी मिर्ची ऐड किया है, उसके बाद ही मैंने यहाँ पर प्याज भी ऐड कर दिया, और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी होती है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसके बाद मैंने यहाँ पे बेसिक से मसाले ऐड किए हैं, आधे छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच मिर्ची पाउडर, साथ ही यहाँ पे गरम मसाला ऐड कर देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड किया है, स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। और मसाला ऐड करते समय आप फ्लेम एकदम लो ही रखना है, ताकि मसाले जले नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारा मसाला अच्छे से भून गया। उसके बाद हम यहाँ पे मछली का अंडा ऐड कर देंगे, जिसे हमने मिक्स करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा छिपक रही थी, इसकी वजह से मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लो फ्लेम रख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए यहाँ पे भून लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, और इस रेसिपी में तेल थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये थोड़ी सी भूनती है ना लाल, इसलिए यहाँ पर हम इसे लाल अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर देखिए भून करके रेडी हो गई है। आप चाहें तो यहाँ पर इसे स्टेज पर हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सुपर टेस्टी और हेल्दी मछली के अंडे की भुर्जी बन करके तैयार हो गई है। वैसे तो इसे कई लोग ऐसे ही खाना पसंद करते हैं, लेकिन आपको पसंद हो तो आप इसे रोटी के साथ ज़रूर से खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि किस किस को मछली का अंडा पसंद है। तो देखिए यहाँ पर हमारा स्पाइसी मसाला मछली का अंडा बन करके तैयार हो गया है। तो कैसी लगी आज की आपको ये रेसिपी, मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आप लोगों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।